स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है द अर्ली ट्रैकियोफाइट्स। पहले लेक्चर में हमने देखा था ट्रैकियोफाइटा, टेरिडोफाइटा और वस्कुलर क्रिप्टोगेम्स। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। ट्रैकियोफाइटा नाम आपको बताया था मैंने, न्यू मॉडर्न नेम ऑफ ट्रैकियोफाइटा। सबसे पहले ट्रैकियोफाइटा को राइनियोफाइट्स भी कहा गया। आपने फॉसिल बेड्स राइनी चर्ट का नाम स्कॉटलैंड का सुना है। स्कॉटलैंड में राइनी चर्ट एक प्लेस है, वहाँ पर जो है फॉसिल रिपोर्ट किए गए थे, उसका नाम था राइनिया। क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनके? स्मॉल होते हैं, उनमें पत्तियों का अभाव होता है, जड़ों का अभाव होता है, डायकोटोमसली ब्रांचिंग राइजोम्स होते हैं और राइजोइड्स अटैच्ड टू देम, राइजोइड्स या मूलाभास भी पाए जाते हैं। वर्टिकल एरियल स्टेम्स है और स्पोरेंजिया इनकी टर्मिनल पोजीशन पे होती है एट द टिप। ओनली फ्यू गमेटोफाइट फॉसिल्स हैव बीन फाउंड। सिंपल स्टेम एनाटॉमी और एंडोसिम्बियोटिक फंजाई इन स्टेम्स। राइनिया जो फॉसिल है जीवाश्म, आप जब पढ़ेंगे आपका जो सेकेंड पेपर है ये ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड पैलियोबॉटनी और फॉसिल बॉटनी, तो इसमें इन फॉसिल्स के बारे में, जीवाश्म के बारे में आप पढ़ेंगे। तो ट्रैकियोफाइटा या टेरिडोफाइटा में साइलोटम जीनस आप पढ़ते हैं लिविंग, और इसमें फॉसिल्स में आप जो जीनस पढ़ेंगे वो है राइनिया, द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट फॉर्म। ट्रैकियोफाइट इनोवेशंस क्या क्या है? इंपॉर्टेंट इन कॉलोनाइजेशन ऑफ लैंड, डायकोटोमसली ब्रांचिंग स्पोरोफाइट विथ मल्टीपल टर्मिनल स्पोरेंजिया। जब हम राइनिया का डायग्राम देखते हैं तो हमें पता है वहाँ पर डायकोटोमस ब्रांचिंग पैटर्न देखने को मिलता है, स्पोरेंजिया आर टर्मिनल इन पोजिशन। फ्री लिविंग है, न्यूट्रिशनली इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट है, और यह चीज़ लाइफ साइकिल में, जीवन चक्र में हमें देखने को मिलती है। रिड्यूस गमेटोफाइट है, लिग्निफाइड वस्कुलर टिश्यू, जाइलम इन द स्पोरोफाइट। अब इसकी रिलेशनशिप्स, इट इज़ डिवाइडेड इंटू टू मेजर क्लेड्स, लाइकोफाइट्स, ऑल अदर ट्रैकियोफाइट्स, दे आर टू मेजर लाइनेजेस, सीड प्लांट्स है और मोनिलोफाइट्स है, फर्न्स, हॉर्सटेल्स एंड विस्क फर्न्स। डिवोनियन या सिलूरियन पीरियड में इनका उद्भव हुआ। अर्लीस्ट नॉन मेम्बर्स वो जोस्टेरोफाइलोफाइटा भी कहा जाता था उनको, नाउ दे आर एक्सटिंक्ट। लैक लीव्स एंड रूट्स, इनमें जड़ और पत्ती का अभाव है, और मॉर्फोलॉजिकल फीचर, इनका डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो है, स्पोरेंजिया आर अटैच्ड टू स्टेम्स इन लैटरल पोजीशन रादर देन द टर्मिनल पोजीशन, जबकि आप राइनिया में देखते हैं टर्मिनल पोजीशन पर है। और कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है? लाइन रिच पीक डाइवर्सिटी, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कोलेज, प्रोड्यूस्ड लीव कॉल्ड ए माइक्रोफिल, छोटी पत्तियाँ होती तो माइक्रोफिलस कहलाती है, डिफाइंड बाय प्रेजेंस ऑफ सिंगल वेस्कुलर बंडल, तीन लाइकोपोडियम है, सिलेजनेला है। लाइकोफाइटा को दो ग्रुप में बांटा गया है, ई लिग्युलोप्सिडा एंड लिग्युलोप्सिडा। लाइकोपोडियम कम्स अंडर ई लिग्युलोप्सिडा, जहाँ पर पत्ती के साथ जो एक मेम्ब्रेनस अपेंडेज है लिग्यूल, उसका अभाव होता है। और सिलेजनेला प्लांट लिग्युलोप्सिडा का एग्जाम्पल है, जिसमें पत्ती के साथ एक सहपत्र मेम्ब्रेनस अपेंडेज लिग्यूल जो कहलाता है वो प्रेजेंट होता है। लाइकोपोडियम फैमिलियर एज एवरग्रीन ट्रेलिंग प्लांट्स, यूज्ड इन मेकिंग रीथ्स, एबंडेंट स्पोर्स है, हाईली फ्लेमेबल है, वंस यूज्ड बाय मैजिशियंस एंड फोटोग्राफर्स। लाइकोपोडियम का उपयोग मैजिशियंस द्वारा या फोटोग्राफर्स द्वारा किया जाता था, और इसका जो लैटेक्स है उसका ग्लोव्स और ऐसी चीज़ों में उपयोग किया जाता था जहाँ लैटेक्स की या मिसलेज की आवश्यकता है। स्पोर्स इरिटेटिंग टू स्किन, सो नो लॉन्गर यूज्ड। कई बार इसके स्पोर्स जो है वो इरिटेटिंग होते हैं, स्किन को गलत प्रभाव डालते हैं। लाइकोपोडियम क्लेवेटम सबसे कॉमन, मोस्ट कॉमन स्पेशीज है लाइकोफाइटा की। लाइकोपोडियम एक्सपेरिमेंटली शोन टू हैव हाइपोग्लाइसिमिक इफेक्ट्स। हाइपोग्लाइसिमिक इफेक्ट्स मतलब शुगर को लोअर डाउन करता है। स्टेम एनाटॉमी, इट इज़ इंटरकनेक्टेड स्ट्रैंड्स ऑफ जाइलम विथ फ्लोएम बिटवीन देम। जाइलम हैज़ ट्रकेट्स एंड फ्लोएम कंटेन्स सीव सेल्स एंड पैरेन्काइमा सेल्स, नो ट्रू एंडोडर्मिस।
ट्रू एंडोडर्मिस का अभाव होता है। जब हम एनाटॉमी देखते हैं तो हम क्या क्या देखते हैं एनाटॉमी में, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, देन द वास्कुलर टिश्यू दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। और वास्कुलर टिश्यू मैंने आपको बताया था जो संवहन तंत्र इसमें बहुत अत्यंत सुविकसित होता है, टेरिडोफाइटा या ट्रेकियोफाइटा में या वास्कुलर क्रिप्टोगेम्स में, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, उसे कहा जाता है, ग्रीक भाषा से लिया गया वर्ड है STEL, स्टील, दैट इज वास्कुलर स्ट्रैंड और कॉलम और पिलर। तो ये स्तंभ जो है, ठोस रंभ जिसे हम कहेंगे, तो वो स्टील कहलाता है। और स्टील इसमें लाइकोपोडिया में, स्टील में कई वेरिएशंस देखने को मिलते हैं अलग अलग प्रजातियों के हिसाब से। जनरली जाइलम प्लेट्स के फॉर्म में होती है, तो लाइकोफाइटा में या लाइकोपोडियम में जो स्टील पाया जाता है उसे प्लेक्टोस्टील कहते हैं। स्टीलर इवोल्यूशन इन टेरिडोफाइटा का जब हम टॉपिक, जनरल टॉपिक पढ़ेंगे, तब डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील्स और उनके बारे में डिटेल्स हम जान पाएंगे। लाइकोपोडियम रूट्स अराइज एट अपाइकल शूट मेरिस्टेम एंड इमर्ज ऑन अंडर साइड ऑफ हॉरिजॉन्टल स्टेम। होमोस्पोरस है, लाइफ साइकिल में एक ही प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं, ओनली वन टाइप ऑफ स्पोर, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज होमोस्पोरस, समबीजाणु। गमीटोफाइट्स आर बाइसेक्सुअल, स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड ऑन टॉप सर्फेस ऑफ स्पोरोफिल्स, लीव्स बेयरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स में भी एग्रीगेटेड इंटू स्ट्रोबिलाई, सिंगुलर जो है स्ट्रोबिलस कहलाता है, विच आर कोन लाइक स्ट्रक्चर, शंकु जिसे हम कहते हैं कोन या शंकु। होमोस्पोरस लाइफ साइकिल बताता है, हैप्लोइड स्पोर्स प्रोड्यूस बाय मियोसिस इनसाइड स्पोरेंजिया, स्पोर्स आर शेड, जर्मिनेट ऑन द ग्राउंड एंड दे डेवलप इनटू गमीटोफाइट्स। युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है, गमीटोफाइट को क्या कहते हैं हिंदी में, युग्मकोद्भिद। टिपिकली लॉन्ग लिव्ड सबटेरेनियन रिक्वायर एंडोसिम्बायोटिक फंजाई टू सर्वाइव, एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया फॉर्म ऑन सर्फेस ऑफ गमीटोफाइट। युग्मकोद्भिद पर एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया का निर्माण होता है। बायोफ्लैजिलेट स्पर्म लिबरेटेड फ्रॉम एंथ्रीडिया स्विम थ्रू वाटर टू फर्टिलाइज एग्स इन आर्किगोनिया एंड जाइगोट इज फॉर्म्ड। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हैज शॉर्ट प्राइमरी रूट, लीफ प्रिमोर्डिया होती है, शूट अपेक्स होता है, वेल डेवलप्ड फूट होता है। स्पोरोफाइट इनिशियली डिपेंडेंट अपॉन गमीटोफाइट एंड आफ्टरवर्ड्स इट बिकम्स सेल्फ सस्टेनिंग। अब लाइकोफाइटा के दो आपको एग्जांपल्स मैंने बताए थे, दो ग्रुप्स, एक तो ए लिगुलोप्सिडा जिसमें लाइकोपोडियम प्रेजेंट है और एक लिगुलोप्सिडा जिसमें सिलेजनेला प्रेजेंट है। इट्स सिलेजनेला इज द सिंगल लिविंग जीनस, इसको स्पाइक मॉस भी कहते हैं, मेनली ट्रॉपिकल है, सेवरल कमर्शियली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स। सिलेजनेला प्लांट को रीसरक्शन प्लांट भी कहा जाता है, सिलेजनेला लेपिडोफिला, रीसरक्शन प्लांट, रोज ऑफ जेरिको। इसको संजीवनी बूटी कहा जाता है, आप जानते हैं संजीवनी बूटी, रामायण में आपने संजीवनी बूटी का नाम सुना है, सिलेजनेला लेपिडोफिला। रीसरक्शन प्लांट इसलिए कहा जाता है कि इसमें पुनर्जीवित होने का गुणधर्म है, क्योंकि सिलेजनेला प्लांट को जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, ड्राई हो जाता है या सिकुड़ जाता है, तो जब उसको फेवरेबल कंडीशंस प्राप्त हो जाती है या हल्का सा मॉइस्चर या वाटर मिल जाता है पर्याप्त मात्रा में, तो फिर से नॉर्मल पोजीशन को आ जाता है या पुनर्जीवित हो जाता है। तो सिलेजनेला को इसीलिए रीसरक्शन प्लांट कहा जाता है, संजीवनी बूटी आप इसलिए कहें। सिलेजनेला लेपिडोफिला एक प्रजाति है, दूसरी प्रजाति है सिलेजनेला विल्डिनोवाय, पीकॉक फर्न जिसे कहते हैं, तीसरी प्रजाति सिलेजनेला ब्राउनी, ट्रीलेट स्पाइक मॉस। इसमें भी माइक्रोफिल्स ऑफन अरेंज्ड इन फोर रोज ऑफ रैंक्स। लाइकोपोडियम सिलेजनेला दोनों की हम लाइकोफाइटा ग्रुप में समान कुछ कैरेक्टर्स है, इसलिए एक ग्रुप के अंडर में रखा गया है। और दोनों की हम समानताएं देखें तो जनरल कैरेक्टर्स एक समान होंगे, माइक्रोफिलस लीव्स आर देयर, बट जब सिलेजनेला की पत्ती की संरचना हम देखेंगे या पत्ती के साथ एक छोटा सा अपेंडेज जो है प्रेजेंट, उसे कहा जाता है लिग्यूल। एंड ऑल लीव्स पजेस लिग्यूल ऑन टॉप साइड, लिग्यूल सीक्रेट्स प्रोटेक्टिव फ्लूइड्स ड्यूरिंग लीफ डेवलपमेंट, स्टेम एंड लीव्स रिजेंबल मिनिएचर साइप्रस ब्रांचेस। राइजोफोर एक विशिष्ट संरचना सिलेजनेला में देखने को मिलती है, ऑर्गन प्रोड्यूस्ड एट मेरिस्टेम्स एट ब्रांच पॉइंट्स।
इट इज़ यूनिक टू सेलेजनेला। यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपको अन्य टेरिडोफाइट में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ स्टेम एंड रूट। राइजोफोर एक ऐसी संरचना है जिसमें तना और जड़ दोनों के कैरेक्टर्स होते हैं। इट ग्रोज डाउनवर्ड टू सॉइल एंड गिव्स राइज टू ट्रू रूट्स, कैन गिव राइज टू स्टेम अंडर सर्टन कंडीशंस। सेलेजनेला में स्पोर्स दो प्रकार के पाए जाते हैं, हेटरोस्पोरस या विषम बीजाणु दर्शाने वाला जीनस हम कहेंगे। स्पोरोफाइट्स प्रोड्यूस टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, मेगास्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय मेगास्पोरेंजिया एंड माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोस्पोरेंजिया। ये गुरु बीजाणुधानी, जहाँ पर गुरु बीजाणु का निर्माण होता है, और लघु बीजाणुधानी, जहाँ पर लघु बीजाणु का निर्माण होता है। स्पोरेंजिया लोकेटेड इन एक्सिल ऑफ स्पोरोफिल्स, ऑलवेज एग्रीगेट इन टू स्ट्रोबिलाई। हेटरोस्पोरस लाइफ साइकिल इसीलिए कहलाती है क्योंकि विषम बीजाणुता दर्शाता है। मेगास्पोरेंजिया फील्ड विद डिप्लॉयड मेगास्पोरोसाइट्स, वन डिवाइड्स बाय मियोसिस टू प्रोड्यूस फोर लार्ज मेगास्पोर्स। मेगास्पोर्स डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म मेगा गमीटोफाइट। व्हेन मैच्योर स्पोर वॉल क्रैक्स ओपन, आर्किगोनिया डेवलप इन कुशन ऑफ गमीटोफाइट टिश्यू। इस प्रकार से जो माइक्रोस्पोरेंजिया और मेगास्पोरेंजिया का डेवलपमेंट है या डिवीजन है, वहाँ मियोसिस माइटोसिस दोनों इन्वॉल्व है, और मियोसिस माइक्रोस्पोर डिवाइड माइटोटिकली टू फॉर्म माइक्रोगमीटोफाइट। मियोसिस के द्वारा माइक्रोस्पोर्स का निर्माण होता है, और माइक्रोस्पोर्स जब माइटोटिकली डिवाइड होते हैं तो माइक्रोगमीटोफाइट का निर्माण होता है। लेयर ऑफ सेल्स इनसाइड स्पोर वॉल फॉर्मिंग एन एंथ्रिडियम एंड मास ऑफ स्पर्म सेल्स इन सेंटर। स्पर्म लिबरेटेड व्हेन माइक्रोस्पोर वॉल बिकम्स वेट, स्पर्म स्ट्रीम टुवर्ड्स मैच्योर आर्किगोनिया। यूनियन ऑफ एग एंड स्पर्म प्रोड्यूसेस डिप्लॉइड जाइगोट सेल, एंड डिप्लॉइड जाइगोट सेल डिवाइड्स एंड डिफरेंशिएट्स इनटू एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो डज नॉट बिकम डॉर्मेंट, कंटिन्यूज टू ग्रो इनटू फुली मैच्योर स्पोरोफाइट। इसीलिए कहा जाता है कि हेटरोस्पोरी या विषम बीजाणुता का उद्भव प्रोबेबली इवॉल्व इन सेलेजनेला, सेलेजनेला से ही शुरुआत हुई है। मेगा गमीटोफाइट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन फॉर जाइगोट, एम्ब्रियो एंड यंग स्पोरोफाइट, एंड इट रिप्रेजेंट्स नेसेसरी स्टेप टूवर्ड्स सीड्स। तो हेटरोस्पोरी एंड सीड हैबिट का आपका एक जनरल टॉपिक है टेरिडोफाइटा में, उसमें यही माना जाता है कि सेलेजनेला जो स्पेसिमन है वहाँ से आपके सेलेजनेला से ही विषम बीजाणुता का प्रभाव या विषम बीजाणुता का उद्भव शुरू हुआ है। एक मेंबर आइसोइटिस भी है लाइकोफाइटा का, कॉमनली कॉल्ड एज क्विलवर्ट और मर्लिंस ग्रास। इट इज़ ऑब्जर्व और ग्रोज इन सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर पार्ट ऑफ ऑल ऑफ लाइफ साइकिल। प्लांट बॉडीज की लोब्ड होती है, कॉम लाइफ स्ट्रक्चर है दैट अंडरगो सेकेंडरी ग्रोथ एंड प्रोड्यूसेस रूट्स, टफ टफ माइक्रोफिल्स दैट रिजेंबल ग्रास लीव्स। इसकी जो पत्तियाँ हैं ग्रास से रिजेंबल करती हैं, और माइक्रोफिल्स में बहुत सारी एयर चेम्बर्स होती है और प्रोमिनेंट लिग्यूल्स भी होती है। तो इस प्रकार जो है अर्ली ट्रैकियोफाइटा या राइनिया, राइनियोफाइट्स, और किस प्रकार से लाइकोफाइटा में सेलेजनेला और लाइकोपोडियम में क्या क्या समानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं, किस प्रकार से विषम बीजाणुता का उद्भव हुआ, और इसके बारे में हमने कुछ संरचना और इसकी जानकारी के बारे में जाना है। अगले लेक्चर में हम देखेंगे किस प्रकार से सेलेजनेला या लाइकोपोडियम दोनों के जीवन चक्र में सम बीजाणुता और विषम बीजाणुता, इनकी संरचना, इनका वर्गीकरण, और इनकी विभिन्न विजिटेटिव कैरेक्टर्स और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, डेवलपमेंटल स्टेजेस, एंड व्हाट आर द डिफरेंसेस एंड व्हाट इज़ द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ बोथ द जीनस, both the genera that is Lycopodium and Selaginella of Lycophyta. Thank you. If you have any queries, you are free to ask. You can subscribe YouTube channel CC Raj JDB GGC Kota. Thank you very much.